तो क्या हाल है मेरे मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे खतरनाक वाले स्टोर पर। ये है तुम्हारे भाई का 24/7 स्टोर। तुम्हारे भाई ने बिल्कुल नया नया खोला है। ये देखो भाई, तुम्हारे भाई की नई दुकान। और यहाँ पर देखो, हम लोग डोरिटोज भी बेचते हैं। यहाँ पर मैंने ATM भी लगा रखा है, जिससे लोग आएंगे और यहीं से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं अगर उनके पास कैश नहीं है। पूरा स्टॉक फुल कर रखा है दुकान के अंदर, 24/7 बाय ओपन रहेगी। और ये अपना वर्क। अरे सर, राम 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 राम। तो गाइज यार, ये अपने हरियाणा से बुलाया है और यहाँ पर ये मस्त तरीके से काम करेगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। और हम लोग यार दुकान के अंदर फ्रूट्स भी बेचेंगे, सारी चीजें एक ही दुकान के अंदर रखने वाले। और ये देखो भाई, यहाँ पर भी मैंने स्टॉक भर रहा है बिल्कुल फुल तरीके से। बस अभी तक मैंने कैमरे नहीं लगाए, देखो अभी कैमरे खराब है, पर इनको भी हम लगवा लेंगे जैसे जैसे हमारा बजट बनेगा। अभी बजट मेरा सिर्फ दुकान को फुल करने का था, इसलिए हमने फुल कर दिया बिल्कुल। अरे सर, आपकी दुकान एकदम मस्त चलेगी, आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना सब देख लेंगे। हाँ वही तो है, तू सब देख लेगा। चलो गाइस यार, यहाँ पर सब कुछ मस्त है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बाइक भी ले ही लेता हूँ, क्योंकि यार मैंने बाइक नहीं है मेरे पास जाने के लिए कहीं भी। मैं बस टेम्पो यूज करता हूँ, या फिर बस यूज करता हूँ, या मेट्रो यूज करता हूँ। मेरे को एक बाइक चाहिए जिसमें यहाँ से वहां जा सकूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं शोरूम पर। कहाँ पर? साइमन के शोरूम पर। वहां पर जाके हम एक बढ़िया वाली बिंदास सी बाइक लेंगे यार, मस्त। आज अपना बढ़िया वाला स्टोर भी खुल के एक नई नई बाइक भी लेंगे, तो आज का दिन तो सेमी बहुत ही ज्यादा मस्त है भाई सेमी। चलो लूटपाट करते हैं। कहाँ पर लूटूं आज मैं? ये दुकान किसकी है? लगता है किसी नई दुकान खोली है। चलो अंदर चलता हूँ, पर सबसे पहले बंदूक निकालेंगे। अरे कौन है तू? अरे तू, तेरी ऐसी तैसी। अरे मैं पुलिस को बुलाऊंगा, साले को छोड़ दूंगा नहीं। क्या बोला? पुलिस को बुलाएगा तू? लगता है तू मेरे को जानता नहीं है, मैं पिकी गैंग का मेंबर हूँ। अरे तो तू चाहे किसी का मेंबर हो। ये ले, बहुत बोल रहे पूतनी का, मार डाला ससुरे को। अरे ये क्या दिख रहा है मुझे? अरे मुझे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पर तो ATM है। ओ बेटे, चलो इस ATM को हैक करता हूँ और सारे पैसे निकाल लेता हूँ। अरे वाह मजा आ गया, मैंने सारे पैसे निकाल लिए। अरे इसको भी तोड़ देते हैं। ये ले, तोड़ दिया ATM। यहाँ पर मजा आ गया, पूरा बैग भर गया पैसों से, और मैंने सारे सारा कैश भी उठा लिया जो भी दुकान में रखा था। चलो अब चलता हूँ, आज तो मजा आ गया पहले लूट के। चलो अब चलते हैं वापस घर पर, मजा आ गया। अरे हाँ स्मिथ, कौन सी बाइक चाहिए तेरे को? अबे यार, मेरे को एक अच्छी सी बाइक चाहिए। और हाँ, शाम को आ जाइए, पार्टी है। आ, तुम्हारे भाई ने मस्त वाला स्टोर खोला है। अरे हाँ, मुझे पता है तूने नया स्टोर खोला है। हाँ तो शाम को आ जाइए, पार्टी है। और तू एक अच्छी सी बाइक दिखा दे जो मेरे बजट में हो। कितना बजट है तेरा? 3-4 लाख रुपए में। एक सेकंड, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो सर। हाँ कौन बोल रहे? हेलो सर, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर आपका जो ये स्टोर है, इसमें गोलीबारी चली है, तो आप जल्दी से आ जाइए। क्या, मेरे स्टोर के अंदर? हाँ सर, आपका ही नाम है यहाँ पर। हाँ आता हूँ आता हूँ सर, क्या हुआ है? अरे लगता है गोली चली तेज। ओके रखो, मैं आता हूँ। अबे यार, अरे क्या हो गया सुमित? अबे यार पता नहीं, मेरे स्टोर पर गोली वाली चली लगती है। अरे काम कर, तू मेरी बाइक ले जा इतने। हाँ शुक्रिया यार तेरा साइमन, मेरे को वैसे भी जल्दी से पहुंचना था। हाँ तू आके ले लियो नई बाइक फिर। ओके तो गाइस यार, ये क्या बवाल हो गया भाई, मेरे नए नए स्टोर के ऊपर गोलियां चल गई यार, कौन होगा पागल पता नहीं। चलो यार बैठता हूँ जल्दी से, चाबी तो मैंने ले ली थी साइमन से। भाई साहब, साइमन की बाइक तो काफी मस्त है यार, देख रहे हो आप लोग। अबे मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, बाइक को देख रहा हूँ फिलहाल, मेरे को अपने स्टोर पर चलना चाहिए जल्दी जल्दी। यार प्लीज, मेरे स्टोर को कुछ नहीं हुआ हो यार, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी स्टोर को खोलने में। प्लीज भगवान, प्लीज ऐसा कुछ भी ना हुआ, जल्दी पहुंचता हूँ यार जाके। ओके तो गाइस यार, बस हम लोग पहुंचने वाले हो। भाई लोग तो भगरे बहुत ज्यादा, लगता गोली ज्यादा ही चली है कुछ, और तेरी हस्ते से अभी मर जाता। ओके तो गाइस यार, ये रे पुलिस वाले। हाँ सर आइए आइए। हाँ सर बताइए। अरे भैया तुम ही हो ना सुमित? हाँ मैं ही हूँ। तो सर, आपने की दुकान को सीज कर दिया है। अरे ये क्या, मेरी दुकान को क्यों सीज कर दिया तुम लोगों ने? सर गोली चली है और आपका जो बंदा था वो भी मर चुका है। क्या बात कर रहे हो, वो हरियाणा वाला बंदा मर गया? हाँ सर, वो मर चुका है, इसलिए आप ये दुकान नहीं खोल सकते। अब आपको कोर्ट के अंदर केस डालना होगा, केस जीतोगे जब दुकान मिलेगी आपको वापस, क्योंकि ये एक क्राइम सीन बन चुका है। अब आप ऐसे नहीं खोल सकते अपनी दुकान। अरे सर ऐसे मत कीजिए, मैंने मेरी पूरी जिंदगी की कमाई स्टोर को खोलने में लगा दी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई केस वेस लड़ सकूं। अरे सर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, रूल्स रूल्स है, वो आपको भी माननी पड़ेंगे और हम भी मान ही रहे हैं। आप केस करिए और जब पता लगेगा कौन हत्यारा है तो आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। और अब तू कौन आ रहा सुट्टाबाज यहाँ पर? तेरी ऐसी तैसी, पुलिस वालों के पीछे खड़ा होकर सुट्टे मार रहे हैं। सर ये आपने काफी अच्छा किया। हाँ तो भैया आप जाइए, आप अपना स्टोर नहीं खोल सकते क्योंकि अब ये क्राइम सीन बन चुका है। केस डालिए, मुजरिम को पकड़वाइए और फिर जाके आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। भाई यार ऐसे मत बोलो यार, प्लीज प्लीज, मैंने पूरी जिंदगी की कमाई इसके अंदर लगा दी है, प्लीज। सर मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज के अंदर, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, हर किसी के लिए सेम है। ओके ठीक है सर। ओ यार ये ऑफिसर भी सही कह रहा है यार, पर यार मैं क्या करूँ भाई, मैं तो यार इतनी मस्त, क्या दिमाग खराब हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा खुश
पूछता मैं, मैंने आज स्टोर खोला था, एकदम नया वाला बाइक लेने गया था, ब्रांड न्यू बाइक लेने गया था यार मैं, और यहाँ पर कोई चोर लुटेरा आया, उसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए, क्योंकि जो एटीएम था ना वो मेरे अकाउंट से लिंक था, और जो पैसे वहां से उड़े मतलब मेरे खाते में से भी सारे पैसे गायब हो चुके हैं यार। ये तो बहुत खतरनाक अच्छी यार, मैं क्या कैसे समझाऊं, मेरा दिल टूट गया यार, आज मैं अभी बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं क्या करूं दोस्तों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कितने पैसे लगाए थे यार मैंने खोलने में शोरूम को, उस स्टोर को, और सब बर्बाद हो गया। अगर वो चोर मेरे को मिल गया ना, सही बता रहा हूँ, उसको मार मार घुसे उसका नाक तोड़ दूंगा भाई मैं। चलो यार एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो बाइक देता हूँ वापस साइमन की, तब तुम्हारे भाई के औकात में नहीं है बाइक वाइक खरीदना। हेलो साइमन। हाँ समित, क्या हो गया? अबे यार बर्बाद हो गया यार मैं, असल में किसी ने मेरे पूरे के पूरे स्टोर को लूट लिया है। अच्छा, पैसे तो होंगे तेरे पास? अबे नहीं, वो एटीएम के अंदर थे मेरे पैसे, वो लूट लिए वो भी। अबे पागल, एटीएम क्यों लगाया तूने? अबे मेरे को लगा बिजनेस बढ़ेगा उससे। अरे तू भी पागल है यार, फिर बाइक लेगा या नहीं लेगा? अबे पागल है, पैसे ही नहीं बचे, ब्रोक हो गया, गरीब हो गया भाई मैं, बिल्कुल अब नहीं ले सकता मैं कोई बाइक वाइक। हाँ तो चल यार, अब मैं क्या ही बताऊँ यार, पर सुनकर बुरा लगा यार तेरे लिए। अबे यार क्या करूँ यार, जिंदगी तबाह हो गई भाई, कितना पैसा लगाया था उस स्टोर को खोलने में, आज सुबह तक कितना खुश था मैं, बाइक भी लेने आया था तुझसे, पर देख थोड़ी देर में क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया यार मेरा। अरे समित यार, बस क्या ही बताऊं, तेरी किस्मत में लग गए भाई। मेरे को लग ही रहा है यार, पता नहीं किसने नजर लगाई होगी, तुम लोगों ने तो नजर नहीं लगा दी होगी ना यार, मैं इतना ज्यादा खुश था। नहीं यार, तुम लोगों की तो नजर नहीं लग सकती यार मेरे को, क्योंकि तुम लोग मेरे भाई हो, दोस्त हो यार, तुम लोग क्यों नजर लगाओगे। पर यार क्या करूं अब मैं, मुझे ये भी तो बताओ, मैं बर्बाद हो गया भाई। एक काम करता हूं, सबसे पहले जाके सिंचैन को बताता हूं यार, मेरे को अब भी नहीं पता कि सिंचैन कैसे रिएक्ट करने वाला है, कि यार हमने नया स्टोर खोला है, और वो तो आया भी नहीं था यार, जब आया था बस हम सामान रखवा रहे थे, अब तक आया भी नहीं। चलो भाई यार पैदल पैदल काफी टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पास ऑटो के भी पैसे नहीं है, तो यार यहाँ पर रहता हूँ मैं इस वाली बिल्डिंग के अंदर, जाके सिंचैन को बताता हूँ सारी कहानी की, हमारे साथ क्या क्या हुआ है भाई स्टोर। अबे एक सेकंड, सिंचैन बाहर क्यों खड़ा है, मकान मालिक क्यों बाहर खड़ा है? अरे सुमित भैया, ये देखो क्या हो गया। अरे सुमित। हाँ बताइए सर। अरे मुझे पता लगा तुम्हारे साथ यार बहुत बुरा हुआ है, न्यूज में आ गया। अच्छा। अरे यार तुम्हारी दुकान लूट गई ना। हाँ मेरी दुकान लूट गई। अरे तो यार देखो, तुम्हारा पहली दो तीन महीने का किराया रह रहा है, तो मैं इज्जत से बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम खाली कर दो कमरा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन नहीं है, अब तुम किराया नहीं दे पाओगे, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ कि तुम दोनों कमरा खाली कर दो, कहीं और देख लो, रह लो कहीं पर जाके। सुमित भैया ये सब कैसे हुआ, नहीं पता यार मेरे को। अरे यार मैं आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग काफी अच्छे हो, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में भी चलता, पर अब यार तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया ना। हाँ तो ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरे को काम है थोड़ा। गाइस यार यहाँ पर ये क्या हुआ, घर से भी निकाल दिया हमको। ओ नो भाई, दिमाग खराब हो रहा है। अरे सुमित भैया यार, ये कौन चोर था, किसकी ऐसी तैसी हुई? अब सिंचैन मेरे को नहीं पता यार। तो सुमित भैया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं कर सकते सिंचैन, क्योंकि पुलिस ने यार लॉक कर दिया है मेरी दुकान को। क्यों सुमित भैया, उनने क्यों दुकान को लॉक लगा दिया? अब बोले क्राइम सीन बन चुका है, केस डालना पड़ेगा, जीत जाऊंगा तो ही मेरे को दुकान वापस मिलेगी। क्या सुमित भैया, ये क्या बवाल है भाई, बहुत गंदा बवाल। अब सुमित भैया फिर पैसे? पैसे नहीं है यार, एटीएम लूट गया अपना। अरे सुमित भैया, मैंने मना किया था ना कि दुकान के अंदर ऐसे एटीएम मत रखो, अब मुझे थोड़ी पता था यार फर्स्ट डे पे चोरी हो जाएगी। अरे तो सुमित भैया, अब क्या प्लान है? प्लान तो कुछ ऐसा, एक काम कर तू जाके रह नन्हे को दीदी के साथ। ओके तो गाइस यार, हमने सिंचैन को भेज दिया नन्हे को दीदी के पास रहने के लिए, क्योंकि यार मैं तो जा नहीं सकता यार, वो तो चल एक बच्चा है, नन्हे को दीदी के साथ रह सकता, पर तुम्हारा भाई थोड़ी रह सकता है, इतना बड़ा है यार तुम्हारा भाई, तो प्रॉब्लम तो आई ना। अब मेरे को कुछ काम ढूंढना पड़ेगा यार जाके, क्योंकि यार भाई बहुत दिमाग खराब हो रहा है सभी अब मेरा। तो काम ढूंढने के लिए फिलहाल आ चुका हूँ मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, यहाँ पर कुछ ना कुछ काम तो मेरे को मिल ही जाना चाहिए। देख रहे हो भाई, सब काफी बड़ी कंपनी है, कोई ना कोई काम तो तुम्हारे भाई को जरूर मिल जाएगा यहाँ पर, बस भगवान करे मेरे को काम मिल जाए। चलो देखते हैं। ओके यार यहाँ पर बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, प्लीज यार ये कोई काम दे दे मेरे को। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? अबे मेरे को असल में काम चाहिए भाई, काम मिलेगा कोई मेरे को यहाँ पर? अच्छा अच्छा, तुम्हें काम चाहिए? हाँ मेरे को काम चाहिए। अच्छा तो तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई तो मैंने की है 12th तक। हाँ तो डिग्री है तुम्हारे पास कोई? डिग्री नहीं है यार मेरे पास कोई डिग्री। हाँ तो डिग्री नहीं है तो काम भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर काम करने के लिए डिग्री चाहिए होता है। अबे यार कोई काम मिल जाए, छोटा सा काम मिल जाए चाहे, या मैं सफाई का भी काम कर लूंगा। अरे इस कंपनी में काम करने के लिए हर चीज के लिए डिग्री चाहिए, यहाँ पर जो सफाई वाला है ना वो भी, उसके पास भी डिग्री है, वो हर चीज डिग्री से करता है यहाँ पर। क्या, सफाई वाले के लिए भी डिग्री चाहिए? हाँ भाई साहब, मेरे पास भी डिग्री है, मैंने बीटेक करके एमटेक करके सेमटेक करी है, उसके बाद मेरे को यहाँ पर सिक्योरिटी की नौकरी मिली है। ओए इतना कुछ? हाँ ब्रो। ओ यार यार, अरे चलो जाओ अब यहाँ से, मेरे को मेरा काम करने दो। अबे यार कुछ तो होगा यार। मैंने बोला ना, अगर डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं, डिग्री चाहिए नौकरी करो। वही सेम सेम डेम डेम। भाई मैं क्या करूँ, बर्बाद हो गया।
अरे यहाँ पर मत रहो यार, मेरे बॉस ने देखा कोई भिखारी रो रहा है तो मेरे को मारेगा। अरे ये कौन रोने लग रहा है फालतू में, अभी चाह के देखता हूँ क्या बकवास चल रही है यहाँ पर। अरे क्या हो गया भाई साहब, किस लिए रो रहे हो, इतने बड़े होके रोने लग रहे हो, शर्म नहीं आती? अभी तूने कुछ बोला कैसे? अरे नहीं भाई साहब, मैं क्यों बोलूंगा इसको कुछ। अरे यार क्या हो गया, बोलो भाई साहब, क्या हो गया तुम्हें? मैं बर्बाद हो गया, मेरा स्टोर लूट गया और मेरे को नौकरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है, मैं क्या करूँ? खड़े हो यार, बात तो करो मुझसे। हाँ बोलिए भाई। अबे चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ जिससे तुम अपनी लाइफ बदल सकते हो, क्योंकि मैं देख ही सकता हूँ तुम बहुत ज्यादा दुख में हो। क्या मौका, कैसा मौका, कैसे मैं अपने आप को कर सकता हूँ? हाँ रुको रुको, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे अपने आप को बदल सकते हो और कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हो। हाँ बता बता भाई, जल्दी बता दे यार प्लीज यार। हाँ तो बताता हूँ, देखो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हें साइन करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर आओ मेरे पास। अबे कैसा कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पर आओ, देखो ये है ना जो फॉर्म, इस फॉर्म को भर दो और इसके ऊपर अपना साइन कर दो। अबे भाई साहब ये किस चीज का फॉर्म है? ये एक रैम चैलेंज का फॉर्म है, उस रैम चैलेंज में 80% चांसेस है कि तुम्हारी जान चली जाएगी और 20% चांसेस है तुम जीत सकते हो करोड़ों का इनाम। क्या बात कर रहा है? हाँ ओके, तो गाइस यार सोचता हूँ एक सेकंड, और मैंने सोच भी लिया मैं कि उस रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, क्योंकि यार कोई मतलब नहीं है यार, मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल, मेरे को लोन भी चुकाना और भाई मेरे को घर भी नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे पैसे कौन खाता है? हाँ मतलब रोटी खाने के लिए तो पैसे चाहिए ना। हाँ भाई सेम सेम, ठीक है तो भाई मैंने साइन यहाँ पर कर दिया है और मैं रैम चैलेंज करने के लिए बिल्कुल भाई तैयार हूँ, बस बता दो रैम चैलेंज कब होने वाला है। रैम चैलेंज अब से एक घंटे बाद होने वाला है। तो यार यहाँ पर हम लोगों ने साइन भी कर दिया है, और क्या मिलेगा जीतने वाले को? वो अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें पता लग ही जाएगा ना, बस ये समझो लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है तो भाई साहब मैं आता हूँ एक घंटे बाद, लोकेशन मेरे को दे देना तुम। लोकेशन जैसे ही तुमने साइन किया है, तुम्हारा नंबर डाला है, वैसे ही तुम्हारे पास एक सेकंड में मैसेज भी आ चुका होगा। भाई साहब काफी तेज हो तुम लोग। हाँ तो अब एक घंटे बाद मिलेंगे। ओके तो गाइस यार एक घंटे बाद हम लोगों को जाना वो रैम चैलेंज करने के लिए, जिससे तुम्हारे भाई की लाइफ चेंज हो सकती है। तो चलो यार वेट करते एक घंटे के लिए। तो तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। आज का रैम चैलेंज बहुत ज्यादा कमाल का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले महाशय आपने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम है सुमित। हाँ तो यहाँ पर हमारे पहले कंटेस्टेंट है, उनका नाम है सुमित, जो कि बहुत ज्यादा रोए थे मेरे आगे। अरे तुम्हें याद है अभी? हाँ मुझे याद है, मैंने उस बिल्डिंग के नीचे तुमसे सिग्नेचर करवाया था। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे मैडम जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सिंड्रेला। अरे आपका नाम चाहे सिंड्रेला हो पर आपका काम बिल्कुल भी सिंड्रेला जैसा नहीं लगता। तो ये भी काफी ज्यादा गरीब है क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और इनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का लोन है। और आखिर में, अरे भाई सब तुम कौन हो? अरे मेरा नाम है पप्पू लांडिया। अरे यार तो आराम से बोलो, पप्पू लांडिया क्या नाम है तुम्हारा? एकदम कमाल तुम्हारी यार इतने। अरे मैं जीत कर जाऊंगा यहाँ से। हाँ तो टाइम बताएगा कौन यहाँ पर जीतने वाला है, क्योंकि रैम चैलेंज बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ तो सबसे पहले मैं जाती हूँ। ओके तो गाइस यार सबसे पहले ये मोटी जाने वाली है और देखते क्या ये मोटी इस रैम चैलेंज को जीत पाती है। और भाई सब अगर ये यहाँ पर जीत गई, एक सेकंड मेरे को जितना याद है इसने बोला था इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो मतलब इस रैम चैलेंज में जो जीतेगा उसे 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मिलेंगे। ओह माय गॉड, सॉरी मुझे डकार आ जाती है कभी कभी। छी कैसी है यार ये मोटी? अरे मैंने थोड़े ज्यादा बर्गर खा रखे है ना, तो इसलिए मेरे को डकार आ गई थी। हाँ तो ठीक है अगली बार बता के डकार मारना यार। अरे ये तो काफी इजी है, इसको तो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर दूंगी। गाइस यार ये तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही है यार, या फिर कोई ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? अरे ये क्या, मैं तो हार गई, ये कैसे हो गया मेरे साथ? पप्पू लांडिया की बारी है। ओके तो गाइस यार अब यहाँ पर ये कच्चे वाला आदमी जा रहा है। ओके भाई साहब तेरे को किस लिए चाहिए पैसे? पप्पू लांडिया को ये पैसे अपने लिए चाहिए। हाँ वहाँ तो सबको अपने लिए चाहिए ना ऐसे तो। पप्पू लांडिया जीत के दिखाएगा। हाँ यार काफी अजीब आदमी है सही, पता नहीं लगता है इसका दिमाग का स्क्रू खाली है। ढीला खाली नहीं। हाँ भाई सेम सेम। अरे सेम सेम पर डिफरेंट। हाँ यार तू गाड़ी चलाना अपनी। अरे गाड़ी नहीं है भैया, बाइक है हमारी। हाँ वही। यार ये कैसे कैसे लोग आते हैं यार, दिमाग चाटिया सही में। और भाई ये रैम चैलेंज मेरे को ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे ही बंदा आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा ये रैम चैलेंज हार्ड होता जा रहा है भाई, और मेरे को क्यों लग रहा है कि मेरे लिए भी इतना ही ज्यादा हार्ड होगा। पर कोई बात नहीं यार, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये आगे से सारे के सारे स्टेप्स क्लियर करते जा रहे हैं, स्टेप्स मतलब ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करते जा रहे हैं तुम्हारे भाई के लिए, जिससे मुझे ईजी होगा इस रैम चैलेंज को जीतना। पप्पू लांडिया
नहीं जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है तुम जीतने वाले हो? हाँ ठीक है भाई, तू जीत जाइयो। ओ भाई साहब, ये तो काफी ज्यादा अच्छा करता जा रहा है। ओके ओ भाई, यहाँ पर ये देख रहे हो बाइक को कितनी इजीली आगे बढ़ाता जा रहा है। पप्पू लांडिया के पास है केटीएम। पप्पू लांडिया बहुत बड़ा राइडर है। हाँ दिख रहा है कितना बड़ा राइडर, घूम तो रही नहीं इससे बाइक, बकवास और करे जा रहा है। ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा स्टिफ है। अबे इसका पैर हवा में था क्या? अरे ये क्या, पप्पू लांडिया के पैर बच गए। अरे शार्क खा गए, अरे बचाओ। अरे यहाँ पर वो दोनों लोग तो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो मैडम जी भी डिस्क्वालीफाई और साथ में वो भी, तो तुम बचे हो लास्ट। अच्छा वो लोग डिस्क्वालीफाई हुए ना। अबे पागल हो क्या, नीचे असल में जहरीला पानी है और उसमें बहुत सारी शार्क भी है, कोई मतलब नहीं है नीचे गिरने के बाद तुम जिंदा बच सकते हो। क्या, मैं मजाक समझ रहा था यार, क्योंकि पानी में गिरने से आदमी बच जाता है, वो लोग बचे नहीं है, वो लोग मर चुके हैं। ओके ओके, मतलब कोई चांस नहीं है। अगर यहाँ पर तुम्हारे भाई ने गलती की तो समझो तुम्हारा भाई का गेम ओवर। और यार मैं चाहता नहीं हूँ मेरा गेम ओवर हो, क्योंकि मैं सिंचैन को बता के भी नहीं आया हूँ कि यहाँ पर कोई मैं खतरनाक वाला रैम चैलेंज करने आया हूँ, जिसके अंदर मेरी लाइफ जा भी सकती है और लाइफ आ भी सकती है, मतलब मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। भाई सिंचैन को अगर पता लगा कि मैं इतना डेंजरस रैम चैलेंज करने आया था और मैं यहाँ पर मर गया, तो भाई सब सही बता रहा हूँ, मेरे को भाई वो डेली कोसेगा, मतलब मरने के बाद भी तुम्हारे भाई की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरे को इस रैम चैलेंज को जीतना ही पड़ेगा। तो यार अब मेरे को जीतना है, मेरे को हो रही बहुत ज्यादा तेज पेट में घबराहट, ठीक है, नर्वसनेस हो रही है। अगर वही चीज चलती रही ना तो तुम्हारा भाई नहीं जीत पाएगा, तो तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। मदद करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि मेरे साथ मेरे कितने दोस्त हैं, मेरी नर्वसनेस कम होगी। और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि सुमित भैया हम तुम्हारे साथ हैं, जिससे यार मेरी नर्वसनेस कम हो। यार इतना ज्यादा घबरा रहा है तुम्हारा भाई, क्या ही बताऊं, मेरी आवाज भी भारी होती जा रही है, डर लग रहा है यार बहुत ज्यादा, यार मेरे को पहली बार इतना डर लग रहा है यार। चलो इसको अब धीरे धीरे कंट्रोल करना है मेरे को। ओए चलो भाई, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है। यहाँ पर पप्पू जो लांडिया था वो भाई यहीं पर ही डिस्क्वालीफाई हुआ था, और उसके बाद भी मैं देख सकता हूँ काफी बड़ा रैम चैलेंज बच रहा है यार। ओए ये तो काफी हार्ड है सही में। अब यहाँ पर क्या करना है, तेज नहीं भगानी है बाइक, ठीक है। उसने एक गलती की थी, उसने बाइक बहुत ज्यादा तेज भगाई थी, मैं धीरे धीरे कर सकता हूँ इसे, बस कुछ नहीं, इन लकड़ियों को नीचे गिराना है धीरे धीरे। ये देखो मतलब इनके ऊपर चढ़ाई ना गलती से भी मैंने, तो समझो तुम्हारा भाई गया। मैं इनको आराम आराम से टच करके गिरा सकता हूँ, देखो ये गिरा दी, अब इस साइड वाली गिरानी मेरे को आराम से, और ये भी गिर गई। अगर यहाँ पर मैं भगा के निकालूंगा तो जैसे भाई ये ब्रेकर की तरह काम करेंगे, बाइक अपनी उछलेगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा। अब ये क्या है भाई, भगा के जंप लगानी है, बीच में खड्डा बड़ा सारा, और ये भी हो गया परफेक्ट। चलो भाई, अबे भाई यहाँ पर कितने बड़े बड़े बर्गर्स हैं इस घर के ऊपर, इन सबको साइड में करते हैं। अबे भाई सब कितने सारे GTA 5 के लोग हो यार, वी 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 वी, इनके बीच में से निकाल लेता हूँ बिना नीचे गिराए किसी चीज को। नाइस, ओ शिट यहाँ पर तो आग लग रही है यार। अबे बाइक जल तो नहीं जाएगी? ओए नहीं यार, इसमें मेरे को गर्म नहीं लग रहा बिल्कुल भी, लगता है ये सिर्फ दिखने वाली आग है जिससे आदमी डर जाए और बाइक को तेज भगाए, गर्म नहीं थी वो आग बिल्कुल भी, वरना वहां पर जो ट्यूब्स थी वो भी तो जल जाती। अबे यार मैं थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगा रहा, मैं इन सभी चीजों को नीचे भी तो गिरा सकता हूँ, डायरेक्ट गोली मार के यार, बाइक से गिराना जरूरी थोड़ी है, जीनियस है यार तुम्हारा भाई सेमी। अबे बच गया भाई, लकड़ी मेरे पास आ रही थी। अबे कितना बड़ा रैम चैलेंज और बच रहा है, ये देखो भाई साहब, इन सभी चीजों को बंदूक से हटाता हूँ साइड में। ओए शिट, ये चीज मेरे आगे क्यों आ गई, हट जा तू भी, इसको भी हटा दिया। अब यहाँ से अपा को जंप लेनी शायद बहुत बड़ी, और ये लगाई हमने जंप, अरे ये सीधा गोल, भाई साहब तेल तेल। ओके अब ऊपर चल रहे हैं हमें, और काफी बड़ा रैम चैलेंज बच रहा है यार अभी। ओए भाई सब सामने क्या दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, शायद यहाँ पर जंप लेनी है, हाँ भाई जंप ही लेनी है, बच गया। अब यहाँ पर ये क्या है, अब पत्थर तो नहीं है, साइड में से निकाल लेता हूँ, फालतू पत्थर वत्थर हुआ था बाइक का अगला वाला टायर मुड़ जाएगा और फिर ये चलेगी भी नहीं। ओए यहाँ पर बीच में आ गए फुल स्पीड में, ओए ये वाली आग गर्म है भाई, वो तो सही है तुम्हारा भाई तेज लेके गया था, और ये हम लोग चले, और ये ओ भाई बॉल्स के बीच में से निकल गया, ओ शिट 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 शिट, जल्दी भगाओ टायर फट जाएगा वरना। ओए यहाँ पर तो लैंड माइंस भी है यार, बच गया, एक सेकंड से बच गया, अगर मैं लैंड माइन से टच हो जाता तो बूम बैम हो जाता है यहीं पर ही। ओए कहां पर है फिनिश लाइन, अब भी मेरे को फिनिश लाइन नहीं दिख रही है भाई, कितना बड़ा रैम चैलेंज है ये। अरे कुछ सेकंड्स का और है, जल्दी करो। अबे कुछ सेकंड्स का तो नहीं लग रहा है मेरे को, घंटा भर हो गया मेरे हिसाब से यहाँ पर ये रैम चैलेंज करते करते। अरे नहीं यार, इतना बड़ा रैम चैलेंज भी नहीं है जितना तुम बोल रहे हो, वैसे आज से पहले कोई इतनी आगे नहीं आया जितना आगे तुम आए हो, तुमने बड़ा दिमाग लगाया, अपना बंदूक यूज करके सारी चीजों को नीचे गिरा दिया। हाँ भाई दिमाग तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। अरे यार तुम सही में यार कूल आदमी हो यार, मुझे लगा नहीं था कोई कभी भी मेरा ये वाला रैम चैलेंज जीत पाएगा। हाँ
मैं ही जीतूंगा यार, तुम्हारा भाई है तो सुपर कूल ही। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं फुल स्पीड में, यहाँ पर करना क्या है मेरे को सामने दिखाई नहीं दे रहा। और रोको 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 भाई, अभी कितनी बड़ी गलती कर देता तुम्हारा भाई। यहाँ से अभी अगर मैं सीधा कुदा देता ना बाइक को तो पानी में जाता। असल में यहाँ पर ये जेट्स की लेनी है यार, इससे पानी के अंदर जाना है यार। बचाओ भाई बार बार। अरे मैंने जानबूझ के ऐसा रैम चलने लगा बनाया। पहली बार तुम यहाँ पर पहुंचे हो। एक आदमी था तुमसे पहले जिसका नाम रोमियो था, वो यहाँ तक पहुंच गया था, पर वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गया, उसने अपनी बाइक फुल स्पीड में भगाई थी। अच्छा ओके, तो गाइस यार बस हम लोग जीतने वाले हैं। एक लास्ट जंप और ये बेटे हम लोग जीत चुके हैं फाइनली। ओके तो भाई साहब प्राइज क्या है? प्राइज तुम जिंदगी भर फ्री में हर चीज ले सकते हो, मतलब तुम्हारे लिए आज से पूरे लॉस सेंटर्स में सब कुछ फ्री है, सब कुछ सही में। हाँ, तुम चाहे कितना बड़ा बंगलो लो, चाहे कितनी कार्स लो, सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री है। पूरा लॉस सेंटर्स आज से तुम्हारे लिए फ्री है। अरे भाई साहब तेरे मुंह से पर सुनना है मेरे को, मेरे पास आ जाए, तेरे चेहरे से सुनना है मतलब। अरे आ गया आ गया। हाँ तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा प्राइस ये है लॉस सेंटर्स में, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए फ्री है। ओ भाई सुपर कूल। हाँ बस थोड़ा ध्यान रखना यार, ज्यादा कचरा मत खरीदना, पता लगे कि हमारी कंपनी बैंक करप्ट हो जाए। हाँ ठीक है चलो मैं चलता हूँ। ओके तो गाइस यार सबसे पहले तुम्हारा भाई आज गए यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए। बोलिए सुमित सर, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? अरे सर आपको पूरी दुनिया जानती है। ओह भाई साहब कमाल देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर हर कोई अब मेरे को जानने लगा है, पूरा लॉस सैंटोस। और यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे भाई के लिए फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री फॉर तुम्हारा भाई। ओ बेटे तो गाइस यार यहाँ पर तुम्हारे भाई ने कपड़े पहन लिए मस्त वाले। सर जरूर आना वापस से। हाँ ठीक है। हाँ तो गाइस यार यहाँ पर तुम्हारे भाई ने खतरनाक वाली गाड़ी भी खरीदी है, और ये लॉस सैंटोस की नहीं है यार, ये मैंने दुबई से इम्पोर्ट करवाई है लॉस सैंटोस के अंदर। अब हम लोग जल्दी से काम करते हैं, मेरे को जाना है सिंचैन के पास, मतलब नन्हे को दीदी के पास। उसको भी तो बताऊं कि यार हम लोग कितने अमीर हो चुके हैं भाई, सब कुछ फ्री हो चुका है हमारे लिए। भाई वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। चलते अब जल्दी से नन्हे को दीदी के घर पर। और भाई सब मैं सोच रहा हूँ कि यार नन्हे को दीदी को भी अपने साथ ही रख लेते, बड़ा वाला कोई शोरूम कुछ घर वर खरीदते हैं यार। तो बस हम लोग पहुंचने वाले नन्हे को दीदी के घर पर। और कहां गया यार, यहीं पर ही उनका घर। कहां ये रहा। अरे ये कौन है, कितनी मस्त गाड़ी है। अबे सिंचन मैं हूँ। अरे सुमित बे तुम, ये गाड़ी किसकी चोर लाई, इतने मस्त कपड़े। हेलो ननको। हेलो सुमित। अबे पागल अपा अमीर हो गए। सुमित भैया ये कैसे हुआ, जल्दी बताओ मेरे को। अबे सिंचन बहुत कुछ हुआ है आज में। सुमित भैया यार छोड़ो, जो भी हुआ मेरे को जानने में एकदम इच्छा नहीं है, बट क्या गाड़ी है कमाल, बिल्कुल तोपा। अबे सिंचन, अरे समित भैया क्या गाड़ी है सही में। अरे सुमित भैया चलो बताई दो आखिर ये सब हुआ कैसे। तेरे भाई ने रैम चैलेंज खेला था जिसके अंदर का मेरी जान चली जाती तो चली जाती। क्या तुमने वो रैम चैलेंज खेला, दुनिया का सबसे हार्ड वाला? क्या तुम्हें भी पता है ना नेको दीदी उसके बारे में? हाँ मैंने पर कभी किया नहीं, वो डर लगता है। आजा सिंचन अब चलते हैं यहाँ से। हाँ समित भैया चलो। अरे वाह सिंचन तुम तो सही में बहुत ज्यादा अमीर हो गए। नन्हे को दीदी तुम्हारा शुक्रिया, टेंशन मतलब गिफ्ट के नाते मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा, बता देना कौन सी चाहिए। मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए। हाँ ठीक है आपके घर पर पहुंचवा दूंगा। अरे समित भैया यार ये बेटे मजा आ गया सही में यार, तुम तो कमाल हो यार, दिमाग घुमा दिया तुमने तो मेरा सही में। अरे सिंचन तेरा भाई का है ही ऐसे टोरे। समित भैया टोरे, अब क्या कर रहे हो समित भैया, पागल हो गए, गाड़ी क्यों ठोक रहे हो। हाँ तो ठीक है। तो गाइस यार यहाँ पर हमारी तो हो गई बिल्कुल लाइफ सेट, मतलब खतरनाक तरीके से, क्योंकि तुम्हारे भाई के लिए सब कुछ फ्री हो चुका है लॉस सैंटोस के अंदर, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं बिल्कुल कूल तरीके से। अरे दोस्तों शुक्रिया, तुम लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा और वेट किया ये गाड़ी देखने के लिए। ये गाड़ी है नमस्त रात को, देखो कैसे डिस्को डांसिया बन जाती है बिल्कुल। सुमित भैया ये तो चलता फिरता क्लब है। अब यही दिखाने के लिए तो मैं रात तक वेट किया दोस्तों का। हाँ तो गाइस तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार बोले बट क्या मेक्सर चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए सिंचन और राम राम जी। अरे सुमित भैया तेज मत भगाओ, फट गई मेरी तो।